हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पाव भाजी बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें जो है एक पत्ता गोभी का टुकड़ा चाहिए करीबन 100 ग्राम का, एक शिमला मिर्च, 2 टमाटर, आधा गाजर और सर्विंग के लिए नींबू। और हमें जो है लहसुन की कलियाँ चाहिए 7 से 8। हमें इसे सिलबट्टे में पीस लेना है या फिर मिक्सी में। और हमें चाहिए एवरेस्ट पाव भाजी मसाला और 7 से 8 आलू उबले हुए और 2 कटे हुए प्याज और हरा धनिया, इसे भी हमें काट लेना है आधी कटोरी के करीब। और ये जो है 2 टमाटर हमने फाइन प्यूरी कर ली है, गाजर और शिमला मिर्च को भी हमने अच्छे तरीके से फाइन पेस्ट कर लिया है। ये देख सकते हैं एवरेस्ट पाव भाजी मसाले के ऊपर जो है सारी विधि दी हुई है पाव भाजी बनाने की, हिंदी में और इंग्लिश में। आप चाहे तो मेरे चैनल पर इसका रिव्यू देख सकते हैं। अब हम कढ़ाई गर्म करने के लिए रखेंगे। कढ़ाई में अंदाजन 4 से 5 चम्मच तेल हमें डालना है। ये देख सकते हैं कढ़ाई तेल गर्म होने के बाद हम इसमें राई मतलब सरसों डालेंगे और फिर जीरा। और सरसों फूटने के बाद हम जो है इसमें हींग डालेंगे। हींग जो है वो करीबन 1 से 2 चुटकी डालना है हमें, और जीरा आधा चम्मच और राई जो है 1 चम्मच। राई फूट गई है, इसमें हींग डालना है। हींग डालने के बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे, लहसुन और प्याज। लहसुन डालने के बाद हम प्याज डालेंगे और दोनों को अच्छी तरह से भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, मतलब सुनहरा होने तक। हमें जो है इन दोनों को अच्छे से भूनना है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें जो है ये जो लहसुन और प्याज है गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें जो है टमाटर की प्यूरी डालेंगे। हमने 2 टमाटर की प्यूरी बना ली है। आप चाहे तो टमाटर काट छोटे छोटे काट सकते हैं या फिर फाइन प्यूरी बना सकते हैं। मैंने जो है वो फाइन प्यूरी बना ली है मिक्सी में, आप वो डाल सकते हैं। 2 टमाटर की प्यूरी डालने के बाद अच्छे से हिलाना है। और फिर इसके बाद हमें जो है उसमें गाजर और शिमला मिर्ची की जो पेस्ट है वो डालनी है, या फिर आप पहले लाल मिर्च और पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं। हम पहले पाव भाजी मसाला और लाल मिर्च डालेंगे। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे और फिर उसे अच्छे से भून लेंगे 10 से 15 सेकेंड तक। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डालना है हमें, फिर उसे अच्छे से भून लेना है 10 से 15 मिनट तक। और फिर हमें उसमें जो है गाजर और शिमला मिर्ची की पेस्ट डालनी है। आप चाहे तो दरदरा पीस सकते हैं मिक्सी में या फिर फाइन पेस्ट बना सकते हैं। मैंने फाइन पेस्ट बना ली है। आप चाहे तो छोटा छोटा काट कर डाल सकते हैं, फाइन चॉप एकदम। शिमला मिर्च और गाजर की पेस्ट डालनी है। और शिमला मिर्च गाजर पेस्ट डालने के बाद हमें उसमें जो है पत्ता गोभी है वो अच्छी तरीके से काट कर बारीक चॉप करके डालना है या फिर मिक्सी में दरदरा पीस लेना है। ये आप देख सकते हैं पत्ता गोभी। और फिर उसके बाद हमें जो है आलू, उबले हुए आलू जो छोटे छोटे काट लेना है या फिर आप स्मैश कर सकते हैं आलू को भी, और फिर अच्छी तरीके से हिला लेना है। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद हम जो है इसमें पानी डालेंगे। हमें करीबन 4 कप पानी डालना है। मैंने 4 कप पानी डाला है। आप चाहे जितना काढ़ा जितना पतला बनाना चाहते हैं उतना बनाइए। 4 कप पानी डालने के बाद हमें उस पानी को उबलने देना है। हम इसमें जो है लगभग 1.5 से 2 चम्मच नमक डालेंगे। आप आपके स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। 4 चम्मच जो है पानी डालना है और फिर नमक डालना है और फिर उबलने देना है। और ये स्मैशर की सहायता से हम इस पाव भाजी को स्मैश करेंगे मतलब मसलेंगे।
ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से ये उबल उबल गई है पाव भाजी। नमक डाल लेना है और फिर हमें उसे स्मैश करना है अच्छी तरीके से। उबल गई है ये, हम जो है इसे अब स्मैश करेंगे। ये देख सकते हैं आप भाप निकल रही है, हम इसे अच्छी तरीके से स्मैश करेंगे। आप जैसे चाहे वैसे थोड़े मोटे टुकड़े रख सकते हैं या फिर फाइनली पेस्ट बना सकते हैं। फाइनली पेस्ट जैसे कि बाज़ार में मार्केट में पाव भाजी मिलती है, पाव भाजी के दुकान में शॉप में, वैसे आप बना सकते हैं एकदम फाइन। और फिर उसे दोबारा से उबलने रखना है गैस पर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही पतली रखी है, क्योंकि जो पाव जो है हमारे वो पानी सोख लेते हैं पाव भाजी का पूरा, और वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, इसलिए हमें थोड़ा पतला रखना है। मैंने पतला रखा है, आप चाहे तो गाढ़ा रख सकते हैं। और अब हम इसमें हरा धनिया मिलाएंगे, और हरा धनिया मिलाने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और तवे पर पाव रखकर हम पाव भाजी के पाव गर्म करेंगे और फिर उसे पाव भाजी के पाव गर्म करेंगे और फिर कटोरी में घी डालकर साथ में नींबू और पाव सर्व करेंगे।